का पकड़ा है, मेरे इस हाथ में लेफ्ट हैंड में मेरे में मादी है और इस हाथ में नर है। और देखिए इसकी पहचान मैं आपको बताता हूँ, 41 पेयर फॉर्म के और ये तकरीबन कोई 70 पेयर जो है ना वाइट जावा के लग गए हैं मेरे माशाल्लाह। तो आज मैं अपने वाले साहब के साथ हूँ, आज इनसे पूछेंगे कि जैसा कि इन्होंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको दिखाया था कि ये जो फिंचिस वगैरह थी इसको फारिग कर रहे हैं वो, और आज इनसे हम कुछ सवालात करेंगे कि आखिर इन्होंने वो फिंचिस क्यों निकाली और जो इनका जावा का प्लान था वो कहाँ तक पहुँचा, तो इसके बारे में आज इनसे सवालात करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें ताकि दूसरे दोस्त और अहबाब भी इस वीडियो से मुस्तफीद हो सकें। अस्सलाम वालेकुम डैडी जी। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का बड़ा करम है जी। आपका बर्फ का सीज़न कैसा जा रहा है माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा माशाल्लाह जा रहा है। ऐसा ही है कि अल्लाह का ख़ास करम है, अल्लाह ताला आपको भी इसी तरह ही बरकतें दे। तो आपकी एक लास्ट वीडियो आपने डाली थी इंटरनेट के ऊपर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें आप अपने सब्सक्राइबर्स को दिखा रहे थे कि आप अपनी फिंचिस हैं वो बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं, इसकी क्या रीज़न है, किस वजह पे आपने फिंचिस को खाली किया? असल में कोई ऐसा रीज़न नहीं था कि जैसा कि लोग परेशान हो के तो फिंचिस को कि ये बहुत कम प्राइस वाला है, वो मामला कोई नहीं था। मामला ये था कि मैंने जब फिंचिस का काम शुरू किया था ना तो ऑलरेडी मैंने घड़े बड़े लगाए थे एक सोच के मुताबिक, और सोच रखा था कि मैंने कि मैंने फ्यूचर में ना आने वाले वक्त में ये मैंने फिंचिस को निकाल के और मैंने वाइट जावा का काम करना है। और शायद मेरी पहली जो वीडियो गई है सब्सक्राइबर के पास उनको पता चल गया होगा कि भी ना वाकई इन्होंने ना पहले इन्होंने बताया था कि हमने ना ये फिंचिस को निकाल के तो वाइट जावा का प्रोग्राम है लगाने का। तो अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का ख़ास करम है। तो अभी आपने जो वाइट जावा का जो सेटअप लगाया है कितने पेयर लगाए हैं आपने? इस वक्त तो तकरीबन माशाल्लाह 20 पेयर तो ब्रीडर लिए हैं, और उसके अलावा कुछ 70 पट्ठा मैंने माशाल्लाह ख़रीदा था फर्स्ट ब्रीड का। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि एक माह के बाद इंशाल्लाह ताला जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा एक माह और मज़ीद लेंगे और ये ब्रीड करेंगे सारे टोटल। और आपका फ़ोन का सेटअप कैसा जा रहा है माशाल्लाह? अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ने बहुत ज़्यादा बरकतें दी है मुझे। मैंने एक छोटे से, जैसे मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि एक थोड़े से सिलसिले से मैंने काम शुरू किया था, तो आज माशाल्लाह 41 पेयर फोन के और ये तकरीबन कोई 70 पेयर जो है ना वाइट जावा के लग गए हैं मेरे माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये सर मैं अपने आप दोस्तों को जैसा पहले गाइड करता रहता हूँ कहता रहता हूँ कि आप यार खुले दिल से इस फील्ड में आओ, आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, और फ़ायदा बहुत सारे लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। सेटअप शुरू किया था ये, अभी जो आपने वाइट जावा भी किया, ये आपने अलग से अमाउंट से कोई अलग से इन्वेस्टमेंट किया कि आपने इन्हीं में से सारा, किस तरीके से मैनेजमेंट किया आपने? असल में बात यही है कि मैंने अपनी जेब से तो कोई पैसा नहीं लगाया, इन्हीं बर्ड्स से जो मुझे प्रॉफिट मिलती है वो उसी से मैं नए बर्ड्स ले आता हूँ, और साथ में कोई सेव भी कर लेता हूँ अमाउंट, और साथ में परचेजिंग भी करता रहता हूँ। इसी तरह आपको खाली वाइट जावा के साथ साथ मैंने अपने दोस्तों को बताता हूँ कि मैंने लबर्ड की भी खरीदा थी माशाल्लाह। यानी कि आपका जो नेक्स्ट फ्यूचर प्लान है वो जावा फिंचिस के साथ साथ आपका लबर्ड का भी प्लान है? जी जी जी, लबर्ड का भी मेरा प्लान है इंशाल्लाह ताला। तो आज आप अपने दोस्तों को किस कौन सी एवरी का विजिट करवाने जा रहे हैं? आज जी मैं इंशाल्लाह ताला वही जहाँ मैंने फिंचिस लगाई हुई थी, जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ मैंने वाइल्ड जावा का जो है ना सेटअप लगाना है, तो वो सेटअप आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह आज आपको। और बहुत सारे दोस्त मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, आपकी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी फ़ोन जावा की अंदर, जो आपने जो फ़ोन जावा की पहचान बताई थी जी जी। अपने सब्सक्राइबर्स को जी। बहुत सारे लोग खुश हुए और बहुत सारों ने अप्रिशिएट किया, और बहुत सारों की तादाद ऐसी थी कि जो वाइट रखते हैं फ़ोन, इतना महंगा परिंदा बर्ड नहीं डाल सकते जी जी। तो उनको भी अपनी जो सेटिंग करने में, जो पेयरिंग करने में दुश्वारी हो रही थी,
वो भी चाहते हैं कि आप अंकल जी हमें वाइट की भी कोई ऐसी एक प्यारी सी पहचान बता दें, आसान सी, जिसके हम देख के जो है ना वाइट की भी पहचान कर सकें पेयरिंग के अंदर मेल और फीमेल की। तो क्या आज आप अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको बताएंगे ये? नहीं, इंशाल्लाह ताला मैं एक पेड़ पकड़ के तो आपको दिखाऊंगा, करीब से करके दिखाऊंगा और पहचान करवाऊंगा आपको कि ये देखे ये पहचान है इसकी नर और मादी की। तो दोस्तों आप मेरे साथ इसी वीडियो के साथ जुड़े रहे हैं, अब हम अंदर चलते हैं एवरी के अंदर और अंदर जाके आपको दिखाते हैं कि उन्होंने किस तरीके से फिंचिस को निकाल के और किस तरीके से जो है जावा की कलोनी लगाई है। आपको अपने अबू की कलोनी दिखाता हूँ, हालिद साहब की कलोनी दिखाता हूँ आपको, और साथ साथ आपसे आपके लिए जो मैंने इनसे सवालात किए हैं कि किस तरह इसकी मेल और फीमेल की पहचान करते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, वीडियो को देखते रहें और अगले क्लिप के अंदर आपको मैं सब दिखाता हूँ। दोस्तों हम आ गए अपनी एवरी के अंदर, तो आपको विजिट कराते हैं कि हमने जहाँ फिंचिस की जगह पे तो वाइट जावा लगाई है, वो भी आप दोस्तों के इशार के ऊपर हमने लगाई है। कि जहाँ आप लोग ऑर्डर देते थे मुझे इसका फ़ोन का, तो आप कहते थे हमारी वाइट का भी रिक्वायरमेंट पूरी करें, तो बहुत से दोस्तों को मैं देता भी रहा हूँ साथ, लेकिन चूँकि इसी वाइट की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो मैंने सोचा क्यों ना इसको इस काम को ना ज़्यादा मजीद और बढ़ाया जाए। तो ये देखे मैंने इंशाल्लाह ताला कोई 70 पट्ठा मैंने खरीदा था, तो और उसके अलावा 20 पेयर खरीदे, यानी कि इसमें कोई 110 पीस है। तो इंशाल्लाह ताला कुछ बहुत सारे पेयर ने मेरी ब्रीड शुरू कर दी है और बहुत सारे जो है ना वो इंशाल्लाह महीने तक ना ये ब्रीड कर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये देख रहे हैं आप मेरी एवरी को। तो दोस्तों ये वही जगह है जहाँ मैंने फिंच लगाई हुई थी और पहले ही ऑलरेडी मैंने गड़े जो थे ये सारे बड़े लगाए थे, इसी सोच के इन फ्यूचर मैंने ना ये लगाने हैं, मैंने यहाँ वाइट जावा लगानी है और आज अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया इस मामले में। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता हूँ कि उसने मुझे इस काबिल किया। और आप लोग आप दोस्तों की मफ्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इंशाल्लाह ताला आपके लिए हाजिर हूँ। आप लोगों ने कहा था कि हमें वाइट जावा भी प्रोवाइड करें, इंशाल्लाह आइंदा आपको वाइट जावा भी मिलेगी इंशाल्लाह ताला। तो ये है कि आप जो दोस्त मेरे कमेंट्स अच्छे अच्छे मुझे करते हैं और मैं उनको पढ़ता भी हूँ, आप लोगों की मफ्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने अपने वीडियो के शुरू में कहा था कि बहुत सारे सब्सक्राइबर हमारे कहते थे कि जी हमें वाइट की नर मादा की पहचान बताएं, तो मैं एक बर्ड पकड़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी मैंने एक जोड़ा पकड़ा है, मेरे इस हाथ में लेफ्ट हैंड में मेरे में मादी है और इस हाथ में नर है। और देखिए इसकी पहचान मैं आपको बताता हूँ, करीब करके दिखाएं, इसकी चोंच उभरी हुई है और रेडिश है, फुल रेडिश है, जबकि इसकी चोंच जो है ये पिंक है और ये मादी है। ये देखिए इसकी पिंक ही है और रेडिश ज़्यादा नहीं है, और आंख का डोरा भी जो है ना रिंग भी जो है ये भी पिंक है, और इसका नर का जो है डोरा ये रेडिश है और उभरा हुआ है, नुमाया है। तो यही पहचान होती है नर और मादी की। ये देखिए जी ये पिंक सा कलर है इसका और इसका रेडिश है, फुल रेडिश है, ऐसे ही इसकी आंख का डोरा होता है। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें, बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में फिर आपके साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।